दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासत जारी, आगे क्या है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तैयारी, आइए देखते हैं 9 सेकंड न्यूज। एलजी के पत्र पर दिल्ली सरकार का पलटवार, कहा गरीबों की दवा और इलाज पर राजनीति कर रहे एलजी, षड्यंत्र के तहत अस्पतालों में की जा रही कत्ल। जमानत पर जेल से बाहर आए संजय सिंह के बयानों पर बोले बीजेपी नेता गौरव भाटिया, कहा खुद आरोपी हैं और दूसरे आरोपियों को दे रहे क्लीन चिट। आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा केजरीवाल को जेल भेजने के पीछे बीजेपी की गहरी साजिश, बीजेपी को सरथ रेड्डी से मिले 55 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड का हवाला दिया। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा पार्टी में गोंद का काम कर रही सुनीता केजरीवाल, दिल्ली की बात अरविंद केजरीवाल तक और उनकी बात को हम तक पहुंचा। 7 अप्रैल को गाजीपुर जाएंगे एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। सोनम वांगचुक के मार्च से पहले लद्दाख में प्रशासन ने इंटरनेट स्पीड स्लो किया, निषेधाज्ञा के आदेश भी जारी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे, आज वडोदरा के भरूच में लोगों से संवाद करेंगे, कल गरुड़ेश्वर के दत्त मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह पर मानहानि का मामला, धर्मशाला से बीजेपी उम्मीदवार सुधीर शर्मा ने 15 करोड़ में बिकने वाले बयान को लेकर सीएम को भेजा कानूनी नोटिस। मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद ओवैसी को मिली धमकियां, कहा चुनाव आयोग से उम्मीद करते हैं कि वो इसकी निगरानी करे। लेह में अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस पर बड़ी संख्या में लोगों ने सेलिब्रेट किया, इजराइल के खिलाफ नाराजगी जताई। हरियाणा के फतेहाबाद में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने गेहूं के खेतों में जाकर जायजा लिया, किसानों ने मुलाकात कर जानी समस्या। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, ग्वालियर के एमपीएमएलए कोर्ट ने जारी किया आदेश, हथियारों की तस्करी के एक मामले में आरोपी है लालू। दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर से जुड़े मामले में राव सुवेनी कोर्ट से नोटिस जारी, आरोपी तेजेंद्र पाल सिंह की जमानत याचिका पर नोटिस जारी, 8 अप्रैल को अगली सुनवाई। और अब वक्त है अपराध से जुड़ी खबरों का अपडेट सिर्फ 9 सेकंड में जानने का। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए की 18 स्थानों पर मुख्य आरोपियों की पहचान बताने वालों के लिए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित। राजस्थान के भीलवाड़ा में कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक धाकड़ ने आत्महत्या की, शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह की बात सामने आई, पुलिस की जांच जारी। बरेली में बिल्डर रमेश गंगवार के ऑफिस पर आयकर विभाग की छापेमारी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप, ब्यूरोक्रेसी और सफेद पोशों की काली कमाई को व्हाइट मनी में तब्दील करने का शक। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में घर में मिली 3 लाश, पुलिस के मुताबिक एक शख्स ने पहले अपनी पत्नी और 4 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट, फिर खुद लगाई फांसी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई, सभासद की पत्नी के साथ गैंगरेप, महिला की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 2 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया, दोनों नक्सलियों पर 8-8 लाख रुपए का घोषित था इनाम। अंबाला के दुधना मंडी के लावारिस खड़ी कार की डिक्की में मिले 13 साल के बच्चे की लाश, पिछले 3 दिन से लापता था मासूम, बच्चे के घर 4 लाख फिरौती का भेजा गया था लेटर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गुड्डू रिठौड़ी नाम के बदमाश की गोली लगी, रणदीप भाटी गैंग का सक्रिय सदस्य। और चलिए अब 9 सेकंड में जान लेते हैं देश की बड़ी खबरों का। बेंगलुरु की सड़क पर बार बार बचा स्कूटी सवार, बैल ने सड़क पर अचानक किया हमला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेंगलुरु के आरटी सिटी के एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। करनाल के सेक्टर 33 में आग का तांडव, स्लम एरिया में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रायपुर के ट्रांसफॉर्मर गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान तक उठा धुएं का गुब्बार, एहतियातन रोकी गई आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई। हरियाणा के यमुनानगर में मिट्टी में दबकर लोगों की मौत हो गई, तकरीबन 6 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के बस्ती में बंदरों के झुंड ने किया हमला, अलेक्सा ने बचाई मासूम बच्चे की जान। श्री सिद्धि विनायक मंदिर में गणपति भगवान को चढ़ाए गए गहनों की होगी नीलामी, गुड़ी पड़वा पर ऑक्शन होगा। भुवनेश्वर में तपिश ने बढ़ाई परेशानी, अप्रैल के पहले हफ्ते में 43 के पार हुआ पारा, कई जिलों में लू की चेतावनी। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में आया भूकंप, रिक्टर स्केल पर 3.23 तीव्रता।
और चलिए अब चलते चलते देख लेते हैं आईपीएल 2024 से जुड़ी खबरें। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया। हैदराबाद की 4 मैच में ये दूसरी जीत, 166 रन के लक्ष्य को 11 गेंद पहले हासिल किया। हैदराबाद की जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 12 गेंद पर 47 रन की पारी खेली। अभिषेक ने 4 छक्के 3 चौके मारे। वहीं हैदराबाद के दूसरे ओपनर ट्रेविस हेड ने 31 रन बनाए। एडन मार्करम ने चेन्नई के खिलाफ अर्धशतक जड़ा, 50 रन की पारी में लगाए 4 चौके और 1 छक्का। 139 रहा मार्करम का स्ट्राइक रेट। चेन्नई ने पहले बैटिंग करते हुए 165 रन बनाए थे। आखिरी ओवर्स में चेन्नई के बल्लेबाजों ने धीमी बैटिंग की। 16 से 20 ओवर के बीच चेन्नई ने 30 गेंद पर सिर्फ 38 रन बनाए। चेन्नई के लिए शिवम दुबे ने तूफानी पारी खेली। दुबे ने हैदराबाद के खिलाफ 24 गेंद पर 45 रन बनाए, 4 छक्के 2 चौके मारे। हैदराबाद के लिए भुवनेश्वर कुमार, पैट कमिंग्स और जयदेव उनादकट ने कसी गेंदबाजी। तीनों गेंदबाजी की इकोनॉमी 7 के आसपास रही और तीनों ने एक विकेट भी निकाली। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच टक्कर। मैच शाम 7:30 बजे से जयपुर में होगा। राजस्थान ने अपने पहले 3 मैच जीते हैं। बेंगलुरु की टीम 4 में से सिर्फ 1 मैच जीत पाई। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे। हार्दिक ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक किया। हार्दिक की कप्तानी में मुंबई की टीम इस साल अब तक 3 मैच हार चुकी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।